हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च 2019 और यह हमारी 90वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी साइकिल परेड कहाँ आयोजित की गई है? जिसका सही ऑप्शन है नोएडा। हाल ही में नोएडा में दुनिया की सबसे लंबी साइकिल परेड आयोजित की गई है और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 503 बसों की एक लंबी परेड बनाई गई। यह परेड 3.2 किलोमीटर लंबी थी और इसका यह रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। तो आपको याद रखना है, सबसे लंबी साइकिल परेड का रिकॉर्ड और सबसे लंबी बस परेड का रिकॉर्ड भारत के नाम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश में सभी जेलों को बंद किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड में सभी जेलों को बंद किया गया है। आपको बता दें, 2018 में नीदरलैंड में एक भी कैदी नहीं था। यहाँ अपराध बहुत तेजी से घटा है। इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ पर जितनी भी जेलें हैं उनको बंद किया जाए। अब बात आई है नीदरलैंड की, तो मैप में आपको नीदरलैंड के बारे में बता दें। ये जगह है नीदरलैंड को दर्शाती है। नीदरलैंड यूरोप में बसा एक देश है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। नीदरलैंड के राजा हैं विलियम अलेक्जेंडर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। तो इतना आपको नीदरलैंड के बारे में याद रखना है और हाल ही में यहाँ पर सभी जेलों को बंद किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस राज्य में अदानी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य में अदानी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान हुई है। यह प्रोजेक्ट 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इससे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वह पूरी की पूरी बांग्लादेश को निर्यात की जाएगी। तो आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि जो भी अदानी पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वह किस देश को निर्यात की जाएगी? तो इसका भी ऑप्शन है बांग्लादेश। और हाल ही में यह प्रोजेक्ट झारखंड में मंजूरी दी गई है। तो आपको मैप में झारखंड के बारे में बता दें, ये जगह है झारखंड को दर्शाती है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई थी। झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुवीर दास और झारखंड की राजधानी है रांची। तो इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में रिजर्व बैंक और किस बैंक के बीच $75 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बैंक ऑफ जापान। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान के बीच $75 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता एक द्विपक्षीय स्वैप अरेंजमेंट पर हुआ है। स्वैप अरेंजमेंट का मतलब एक विदेशी विनिमय समझौता है। इसमें दोनों बैंकों के बीच मुद्रा का अदल बदल कर सकते हैं और यह निश्चित समय तक के लिए कर सकते हैं। अब यह जो हस्ताक्षर हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान के बीच हुआ है। तो आपको रिजर्व बैंक के बारे में बता दें, रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इतना आपको आरबीआई के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस राज्य ने 2019 को जल का वर्ष घोषित किया है? जिसका सही ऑप्शन है कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य में 2019 को जल का वर्ष घोषित किया गया है। इसका मतलब होता है इस वर्ष जल के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी और जल के सदुपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ऐसा करने वाला यानी 2019 को जल का वर्ष घोषित करने वाला कर्नाटक है। तो मैप में आपको कर्नाटक के बारे में बता दें, ये जगह है कर्नाटक को दर्शाती है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। कर्नाटक के गवर्नर हैं बजूभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं एच डी कुमार स्वामी और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। तो
तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। और 2019 को जल का वर्ष भी कर्नाटक राज्य ने ही घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस शहर में दिव्यांगों के लिए खेल केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए खेल केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस केंद्र की स्थापना से पैरा स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इस केंद्र की अनुमानित लागत जो है वह 170 करोड़ रुपए की समथिंग होगी। तो आपको याद रखना है दिव्यांगजनों के लिए खेल केंद्र की स्थापना ग्वालियर में की जाएगी। अब बात आई है ग्वालियर की, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ग्वालियर के बारे में बता दें। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया यानी ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तानसेन का समाधि स्थल, गुजरी महल, मान मंदिर, सास बहू का मंदिर ग्वालियर में ही है। सोन चिड़िया संरक्षण अभ्यारण ग्वालियर में ही स्थित है। तो इतना आपको ग्वालियर के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है भगवान लाल साहनी। हाल ही में भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना 123वें संशोधन विधेयक द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है इस आयोग के अध्यक्ष हाल ही में भगवान लाल साहनी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नेटवेयर सेक्टर में विकास के लिए योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है स्मृति ईरानी। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी ने नेटवेयर सेक्टर में विकास के लिए एक योजना को लॉन्च किया है। आपको बता दें नेटवेयर सेक्टर यानी बुने हुए कपड़ों के विकास के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। इस योजना में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के लिए नेटवेयर मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। तो ऐसी यह योजना स्मृति ईरानी जो हमारी कपड़ा उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है फेम योजना। हाल ही में फेम योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। अब ये फेम योजना क्या है, तो इसका आपको फुल फॉर्म बता दें। फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, मतलब विद्युत और हाइब्रिड वाहनों का उपयोग और निर्माण बढ़ाना है। 2022 तक इस योजना को 10,000 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है फेम योजना का दूसरा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसका बजट 2022 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। और फेम का फुल फॉर्म आपको एक बार फिर बता दें, फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है फेम योजना का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, 1,000 इलेक्ट्रिक बसें हाल ही में किस शहर में चलाई गई हैं? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गई हैं। 1,000 बसें चलाने वाला दिल्ली देश का पहला शहर बना है। कैबिनेट की ओर से 2500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। अब ये बसें दिल्ली में चलाई गई हैं, तो मैप में आपको दिल्ली के बारे में बता दें। ये जगह है दिल्ली को दर्शाती है। दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। तो इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें निशान ए पाकिस्तान दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई को निशान ए पाकिस्तान से नवाजा गया है और इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। यानी भारत और पाक में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है और इनका नाम है मुरारजी देसाई। तो निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न ये दोनों पाने वाले हैं मुरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 12, विंग्स ऑफ फायर किस महापुरुष द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं? जिसका सही ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर यह पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा
2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यह बुक भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी थी। आपको बता दें ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। खुशवंत सिंह जी ने ट्रेन टू पाकिस्तान बुक लिखी है। तवलीन सिंह ने कश्मीर ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स ये बुक लिखी है। और बीएस कामत ने इंडिया ऑफ आवर ड्रीम ये बुक लिखी है। एक बार फिर आपको बता दें एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर बुक लिखी है। इसके अलावा 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम यह बुक भी लिखी है। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान यह बुक लिखी है। लवलीन सिंह ने कश्मीर अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स ये बुक लिखी है। बीएस कामत ने इंडिया ऑफ आवर ड्रीम ये बुक लिखी है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने इतनी इतनी बुकें लिखी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।